एक दिन वो भगवान विशंबर, एक दिन वो भगवान विशंबरी और मोहनी रूप धर्यो ललिता 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 दृष्टि पड़ी शिव शंकर की तो खलत बूंद पड़ी खलिता। जिन कान दियो उन फूंक दई, जिन कान दियो उन फूंक दई, और सुत पाय लियो गौतम सुता। ए काहे को लाज करूं मैं सखी, ओ कंथ को कंथ पिता को पिता। पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे है कि एक दिन वो भगवान विशंबर और मोहनी रूप धरी हो ललिता और दृष्टि पड़ी के शिव शंकर की और खलत बूंद पड़ी खलिता। अरे जिन कान दियो के उन फूंक दई, अरे सुत पाय लियो है गौतम सुता। माता अंजनी के काहे को लाज करूं ए सखी, ए सखी कौरी लाज करूं, क्योंकि वो कंथ को कंथ और है पिता को पिता, वो तो कंथ रो कंथ है और पिता रो पिता है। हनुमान हटीले रंगीले बली, और जिन मान मथो गढ़ लंक पति को, पैठी पताल हन्यो अहिरावण। अरे जिन देखती तेज गयो सगति को, अंजनी को पुत्र श्री राम जी को पायक, अंजनी को पुत्र श्री राम जी को पायकी, अंजनी को पुत्र श्री राम जी को पायक जी को पायक, और शोक हरियो मासिया सती को, तुलसी संकट क्यों न कटे तो जब ध्यान धरे हनुमान सती को। बाबा लिखे हनुमान हटी लेके रंगीले बली, और जिन मान मथ्यो गढ़ लंक पति को, पैठी पताल अन्यो अहि रावण, और जिन देखत तेज गयो है शक्ति को, अंजनी को पुत्र के श्री राम जी को पाए को, और भी शोक अरि हो मां सिया सती को, अरि तुलसी संकट क्यों ना कटी तो जब ध्यान धर हनुमान जति को। वो स्वामी जी लिखे के महाराज बाबा हनुमान जी महाराज रू अगर जे अपन लोकार इष्ट है, फिर भी मारा संकट बाधा है जगी रहे, तो यू समझनो सही है कि बाबे रो इष्ट में कुछ ने कुछ कोई हाँ त्रुटि है, कोई कमी है अपारे मारा। गोस्वामी जी लिखो है हनुमान जी महाराज के जागंडी विशेष मर्यादा बताइए बाप जी, कि जहां तक हनुमान जी महाराज के जागंडे मां राम चरित्र मानस रोही गुणगान होना चाहिए, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज लिखियो है चौपाई रे मां प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, हरि के राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी महाराज भगवान राम रो चरित्र सुनने रहे जगह रसिक श्रोता है दादा, अरे जगह जगह भगवान राम जी रो है जो गुणगान हुए
तो भी जगह हनुमान जी महाराज रो वास है किसी रूप में वे भले, क्योंकि कवि माधव भी लिखे कि कपी का है वासा जहां है कीर्ति भगवान की। हनुमान जी महाराज रोटी वासो है कि जगह घर ग्वाड़ी रे भगवान राम जी रो कथा कीर्तन हुए, भगवान राम जी रो है जो मंत्रोचार जप हुए, बट हनुमान जी महाराज रो वासो है। बाबू आवे कांटा किसे रूप रे मां, क्योंकि मेरी लीला है जगी ने कोई हरेक जान सके कौन महाराज। तो इंडे वास्ते रामचरित्र मानस रा तुलसीदास जी महाराज सात कांड बनाया है, हनुमान जी महाराज ने सातों ही अति प्रिय है, पर सुंदरकांड हनुमान जी महाराज ने अति विशेष प्रिय है, क्योंकि बाबेरी वीर मां बिरदावण और बड़ाई हुआ है। तो गोस्वामी जी लिखे है कि जगी टेमरे मां हनुमान जी महाराज भगवान राम जी सीता जी री खोज रे मां, और फिरता फिरता और महाराज आठे किसकंदा नगरी आया। किसकंदा नगरी ऋषि मुख पर्वत नीचे हनुमान जी महाराज से भगवान राम जी की भेंट हुई, और हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव जी महाराज से अग्नि साक्षी मान करके और भगवान राम जी ये जगी मित्रता करवाई, और भगवान राम जी बाली वध कियो और किसकंदा रो राज हो जगो सुग्रीव जी महाराज ने दियो, और बाली रो पुत्र हो अंगद जके ने बटे जगो युवराज पद दियो। और अब भगवान राम जी चार महीना बटे विश्राम कियो, और चार महीना रे बाद रे मां और सुग्रीव जी महाराज बांद्रा रा है जगो राजा, और सुग्रीव जी महाराज बांद्र सेना भेड़ी करी है, और बांद्रा रा बटे महाराज चार दल बनाया है, और चार दल बना करके चारों दिशा रा मां चारों दलों ने भेजा है। तो जगो दक्षिणी दिशा में दल गियो वीर मां मुख्य मुख्य बानर हा हनुमान नल नील जामवंत अंगद ऐसा योद्धा है जगह दक्षिण दिशा में रवाना हुए। भी टेमर मां भगवान राम जी हनुमान जी महाराज ने आप पर आत्री मुंदरी दी है, कहले भाई हनुमान हमारे आत्री मुंदरी का है कीर्तन माता जान की रो पतो लागे जन बिन आ तो मुंदरी है जो बताई जो बा विश्वास करी के भगवान राम जी कन आयो। तो अब बांद्रा सारा आठे समुद्र के किनारे आया है, और बैठे बैठा बैठा विचार करे भाई आपार मांगे जो लंका किसो दणी जा सके। जन कोई बांद्रा कहे महाराज दस एक योजन जा सका, कोई के 20 योजन, कोई के 50 योजन। चार महीना बतायो है, चौमासो जो कुछ चार महीने है नी जो को बाली वध करने के बाद में भगवान राम जी आप थोड़ो फिर भी देखिया आप समय कोई द्रपदा दिद करूं को नहीं। बाकी चार महीना भगवान राम जी है जो को बड़े विश्राम कियो, चार महीने के बाद रे मां आगे वर्षा ऋतु आ गई तो भी वास्ते आ तो पति तो करिया ईंट पहली के करावा बिल्कुल यूं है आप थोड़ो शोभ नहीं के करिया कोई बात नहीं पति करा को नहीं थोड़ो देखिया आप रामचरित्र मानस में थोड़ो देखिया तो करी कटी भाई एके थारी एके चुड़ी एके भाई बस एक महीने बाद में लिया है नहीं बात तो मान ली पर हगड़ा गविया किस एक हिर की थोड़ी होना वे महाराज महीना रिता अपन ध्यान को नहीं। बाकी अठ गोस्वामी जी लिखियो है अठ सरपंच साहब गोस्वामी जी लिखियो है कि चार महीना भगवान राम जी बाली वध करने बाद रमा वर्षा ऋतु लाग गई बीर वास्ते वर्षा ऋतु मां चार महीना भगवान राम जी बड़े विश्राम करियो। चार महीना रे बाद रे मां पाची है जगी सूर्य जी महाराज बांद्रा ने बेड़ा कर और सेना बनाई आ लिखी है महाराज ने कितना महीना रिया ताई करी। हां जन हनुमान जी ने भेज बुलायो कि वो आयो क्यों कौन बता चार महीना वधी को गया। हां रावण की बात बट रावण कियो आमास बिल्कुल बा रावण धमकी दी एक महीने रावण धमकी दी एक महीने अठ तो सीता जी री खोजरी बात है अठ चार में आप थोड़ा सो देख लिया भी थोड़ा सो कोई आप जिद नहीं करा मारा
हाँ भैया, बट रावण जरूर की आवा भी मथाणी बात हाथी है। हाँ, मां रावण सीता दिन एक महीने धमकी दे रहा बागरे मां ए बिल्कुल बिल्कुल साहब, अठ चार महीना भगवान राम जी स्वामी जी महाराज लिखे चंद्र आप राम चरित्र मानस देखिया तो खरी जिद क्यों करो, क्यों दादा मैं गलत क्यों गए। एपी बावजूद अगर दे आप नहीं मानो जन मुरली दर्दी कनी कथा तो हूं लिया पाऊं ऊपर कोई राम चरित्र प्रखर वक्ता कौन मारा ए राम चरित्र मान शर्मा लिखुड़ी बात है सरपंच साहब कोई इरमा झूठी नहीं है ता आ बीर खातर क्यों कर ऐ देखो राम चरित्र मानस में तो सरपंच साहब यूं ही लिखियो चार महीने दादा नहीं कयाणी छोड़ो तो आपन अठ आपा जिद करा ओ गलत है नहीं तो आहा रावण एक ही बात की जगीटे में सुरपन खान नाक बढ़ार गई जन बटे जुगबी जार रावण आगे बात करी जन बटे इं तो बाके देवती के महाराज हूं खुद बंदड़ी बन गई जन तो बट गड़बड़ हो जाऊंगी जटी रावण ने क्यों कभी तपस्वी आउड़ा बार हागे एक पारी स्त्री है बारिया बड़ी सुंदर है अरबा हूं थारे खाते आठ है लावन भाई रावण रे मां दो चीज री बड़ी बारी कमी और रावण बड़ो बारी मतलब कहे के वेदा रो ज्ञाता हो जन महाराज रावण देख रही क्यों तो तुम बड़ खरदूसन कण जाओ थी भी क्यों खरदूसन तो 14,000 सेना सहित मां वध कर दियो पहली उठी गई अमर थार कण आयो जन रावण विचार करियो मन में जन रावण जाए आप लो मामो मारी चो बिन क्यों बोले मारी तने एक मारी मदद करनी पड़ी मारी क्यों बोलो भाई क्यों वे तपस्वी आउड़ा आठ है पंचवटी रिमा तू एक मायावी मृग बन बट जा जो कबो तपस्वी तन मारने रे वास्ते जाई इरुपी टेम रिमा तू मरती टेम रिमा एक काम करी के एक आवाज लगाई आई सीता और आई लक्ष्मण जन वो दूसरो तपस्वी जो थारे लारे आई जन हूं सीता जी अरण कर लम जन भी मारीच देख रही क्यों ईं डाले रा काम उंदा है नहीं हूं करूं कौन मारीच भजन कर तो भगवान शंकर उपासको मारीच ने तो पहली जगी टेमर में आठे भगवान राम जी विश्वामित्र जी हागे ज्ञानी भी टेमर मां ए तीन बाधाएं आई पहली तो आई ताड़ का
जकीरो वध कियो पछताड़ कारो पुत्र होको मारी चो जगो ईर भगवान राम जी बिना फर्रो बाण लगाए क्यों भाई तो अंतर्यामी है माने पतो भाई इन आगे काम लेनो पड़ी जन बी ने 100 योजन दूर फेंक दियो बिना फर्रे बाण मारियो को बीर वादरे मां सुबह आयो भगवान राम जी सुबह रो वध कियो तीनों रो वध अटकियो विश्वामित्र दियो यज्ञ सफल कियो जन बट मारीच देख ली मारीच ने भी बात उठाओ भी देखा बट बन भगवान राम जी ने जन मारीच कियो कि ई डल रो काम हूं करू को जन भी रावण देख कियो तन मरनो पड़ी महाराज जन मारीच विचार करियो मन में क्यों भी मरनो मरनो दोना पासी निश्चित है उन्हें मरनो है तो मरनो बिने मरनो है तो मरनो जन भी मारीच इसी दिन लियो क्यों आप भगवान रे आ तो मरो जो मुक्ति तो दुष्ट रहे आ तो मरा अवगति मजा जन बट मारीच को मृग बन रहा है आकर के बा माया फैलाई और सुनेरो मृग बनियो जन सीता जी रे मां महाराज बट सीता जी गड़बड़ एक ही हुई कि सीता जी ने क्यों भगवान सुंदर महाराज जी की संसार में कोई वस्तु कौन क्यों वो ब्रह्म है वो अति सुंदर है अर महाराज की ब्रह्म सुंदर आपा ने ओ संसार लागे जन आपा इस संसार रे मां जकड़ी जुड़ा अर सीता जी ने भी ब्रह्म सुंदर है जो वो सोनो लाग्यो क्यों सुनेरो मृग बन रहा जन भगवान राम जी मन ही मन विचार करी क्यों सीता आज मारू सुंदर तन ओ सोनो लागियो है हम तन सोनेरी नगरी में ही भेज चिंता मती कर तो इस तो भगवान राम जी भाव प्रकट करियो बी टेम रे मां मृग बो भगवान राम जी ने जो दौड़तो दौड़तो है जो दूर ले गियो जन के दूर जाय मृग ने मारियो अरे हा हा कार सुनाई अरे माता सीता यूं उठ बोली अपने बंदूरी लक्ष्मण करो सहाय ये लक्ष्मण थारे भाई ने भीड़ पड़ी है क्यों भी मृग आवाज पुकारी जन बड़े लक्ष्मण जी महाराज एक सीता जी ने बात की बोले हे मैया वो भाई मरने को नहीं और उनकी मौत ना आई अरे काल उसी से डरता रहता सारी सृष्टि माता उन्हीं ने रचाई वो सृष्टि रो रचेता है वो मर थोड़ी सके जन सीता जी बड़े लक्ष्मण जी ने उठपटांग वचन कियो बोले क्यों क्यों जावे भाई थार कट फोड़ो थार ओ भरियो बतूलो घर है जो गणे हमें ता लुगाई थारे रहे जन सीता जी ने ऐसो वचन कियो जन बट लक्ष्मण जी ने जन लक्ष्मण जी महाराज ने बड़ी भारी रीस आई और लक्ष्मण जी कियो हे माता मैं थारे सिवाय चरणा रे ऊपर कोई नजर तन देखी कौन कदी अरे तू मारे लिए आ बात कह जन लक्ष्मण जी बड़वा लक्ष्मण एक आकार निकाल अरे बड़ भगवान राम जी रे पीछे जावन ला गया जन सीता जी ने क्यों बोले माता अगर इकार जे तू उल्लंघन कर दियो तो तू वसम हो जा ली अरे जको बारू अगर जे मां दातो रही वसम इकार रे उपकर वो वसम हो जन बट वो रावण है जो लारू लक्ष्मण जी गया भी टेमर में रावण लारू आयो जन रावण एक बार तो भगवान राम जी रो रूप बनायो आप भी माया जन महाराज बट राम जी रो रूप बनायो का सीता है जी माता रूप में दिखन लागी रावण क्योंकि जो राम रो जो उपासक है बिन सब सृष्टि है नी मेरी दृष्टि है जकी महाराज पथे जो बड़ी बारी निर्मल हो जाए जन भी देखियो तो गड़बड़ हुई या तो वारणी कौन कर सका जन बट जोगी रो रूप धारण करियो अरदार कियो भिक्षाम दी जन सीता भी आई बोले भाई भिक्षा किस भी गालू जोगेश्वर आडी दे गया कार हरी राम लक्ष्मण दोनों वन में सिदाया लागे माने बुरा रो श्राप हरी सीता जी कियो कि मुझे अगर आप कार लोकू तो मन बुरा रो श्राप लागे जन रावण विचार करियो बड़ो तो गलत हुई काम आदित्य ने दे आज ही जन रावण बट दे करे इसकी लड़ाई क्यों कारा ऊपर रानी भरो बाजो तो राम जी राम आओ भाई जी आ गाओ ऊपर धरो दोनों पाम हरी अरे के झुककर भिक्षा गालो जोगी ने जन जोगेश्वर लिसी उठाए हम सीता जी बट ला करके चाहे जो भी बर्बाद जोड़ तो कुटुम आओ बन रहे मां महाराज और कुछ मतलब के कव्यारी है जगी आभूषण लगा दिया महापुरुषा अरे उना भी चाहिए अपना मरा भी ब्रह्मा बट बाजोट रख करके सीता जी जूं दे कंद मूल फल री भिक्षा रावण ने गातन ला गया भी टेबर में रावण है जो बू की पकड़ सीता ने भी पुष्प दीवान में बैठाई आकाश रे मारक चालन लागियो जड़ भी सीता जी विचार करियो भी इनकी बिलमो जितनी भगवान राम जी है जगो लारू आजी जन सीता जी देख राम ने कियो के ओले दीमा ताल जोगेश्वर कोई न आवे अपने लार हरी अरे राम लक्ष्मण दोनों वन में सिदाया ओ वचन हमारो मान सही हम क्यों दौड़े जन रावण बिचारियो तो काम तो ले में हुई गयो आ तो आप खुद कह रही है जन महाराज रावण बट है जो आपकी माया शक्ति हूं क्योंकि स्त्री ने आभूषण बहुत प्रिय है जन रावण बट गेणो जन रावण भी गेणे री कई चीज है आभूषण सीता जी ने भी माया भी है जो प्रकट कर देवन लागियो और रावण कहे के पेरो रानी थे ओ रतन मूंदड़ो और गणेरो हार हरी और पेरो
थे रानी सोवन चूड़ लो तुम एक राम ने भी सारी की राम ने ओ सुमरण जो छोड़ दे और मारे नाम रूप सुमरण करन ला दिया। सीता सती ही सीता जी देख राम ने क्यों बालू जालू थारो ओ रतन मूंदड़ो एर तड़के तोड़ू थारो हार हरी एर दे बाटे भी फोड़ू सोवन चूड़ लो मारा राम दिशा वार हरी है किया बोले तुम। सीता बात की टेमरमा पंचवटी मां भगवान राम जी आनी बी टेमरमा लक्ष्मण जी मारा सुबह रो टाइम और कंद मूल फल लाने वास्ते गया आ विद्या जी के लक्ष्मण जी भगवान राम जी छाने राखी अर सीता जी ने बटी क्यों बोले सीता अमो नर लीला करूं इर वास्ते तू ई पावक रेमा प्रवेश हो गया पावक के अग्नि ने सीता जी ने भी अग्नि रेमा प्रवेश करा दी। सीता जी जो अपना फोटो स्टेट हुए नी जो एक नकली परछाई छाया ही जगी बात ली पाछी बटू सीता जी ने लंका विजय कर आया दिन भगवान राम जी आपने देखने रमा दुनिया ने देखने रमा अग्नि परीक्षा ली बाकी अग्नि देवताओं का ओरिजिनल सीता है जगी पाछी हाँ हाँ बिल्कुल क्यों क्यों अग्नि परीक्षा क्या ले रही है हमारा सीता जी माता ने आखन विश्वास कौन नहीं बात रे बात कि अरे घूंगिया तन ठा कौन है बात और है तो आ बात ही जगी पीछे की बात ही आप आठों शुरू करिए हाँ मेरी बात लेट आया वाह वाह बोले सियापति रामचंद्र भगवान की बोले बालाजी महाराज की। तो अब वांद्रा सारा अठ महाराज समुद्र के किनारे विचार करे भी टेमरे मां जामंती महाराज सब रीच बांद्रा रामा सब सुनाए जो वडेरा और जामंती महाराज रो रीच रो शरीर हो और जामंती महाराज पूछे बाली पुत्र अंगद ने बोले अगर तू लंका जा सके तो आठे गोस्वामी जी रामचरित्र मानस में किष्कंधा कांड रे मां और लास्ट चरण में जो महाराज मारे चौपाई दिए तो कहीं कह दिया है अरे अंगदी कही जाऊं कही जाऊं मैं पारा और जिए सन से कछु फिरकी बारा। अंगद जी महाराज कहे कि मैं लंका है जो 100 योजन समुद्र पार करके और लंका जा सकूं पर मारे मंदरे में बड़ो भारी एक संशय है। बोले काई पाछो आऊं या नहीं आऊं ई बात तो मन महाराज कोई विश्वास कौन कोई पकाई कौन क्यों बाली पुत्र अंगद तो बड़ो भारी योद्धो है महाराज पाछो क्यों नहीं आ सके। जन महाराज गोस्वामी जी लिखे कि बाली पुत्र अंगद और राउंडो सबसे छोटो पुत्र अक्षय कुमार दोनों एक ही प्रहलाद जी गुरुकुल में पढ़िया करता ए आपत्री रिमा दोनों लड़ता झगड़ता ओ है जो अंगद भी रिमा तकी भारी पड़तो ओ हमेशा भी ने डराव तो धमकाव तो ठोक तो मार तो वो रोजी ने गुरु महाराज कन शिकायत ले जाओ तो एक दिन गुरु महाराज सुबह रोटा और जो आसन मात बैठा है वो शिकायत ले गियो अक्षय कुमार भी टेमर मा गुरु महाराज बड़ा श्राप दियो क्यों जा जगी टेमर मा थे दोनों आमने सामने वो भी टेमर मा वो बठी है जगो बसम हो जी। अंगद जी महाराज कहे मैं लंका है जगो जातो रू मन कोई संशय कौन पण कोनी अगर जे मन अक्षय कुमार मिल गयो तो माड़ा ही हमाचार थोने दूजा लोग ही दई बस गए वास्ते हनुमान जी महाराज अक्षय कुमार रो काम तमाम पेल पोत करियो लंका दिया जन क्योंकि बट अंगद जी रो रस्तो जगो साफ करियो खुल्लो खुल्लो जन बट अंगद जी कहे अंगद कही जाऊं मैं पारा और के जिए सन से कछु फिरती बारा और जामवंत कही तुम सब लाए और पठ ही नी कीमी सब की करनाए। जामत जी महाराज कहे जन तो महाराज कामरी बात नहीं है
अब हनुमान जी महाराज भी सेना रे मां एक सवारे किनारे और चुपचाप बैठा मौन। जन जामन जी महाराज बट हनुमान जी महाराज कन गया है और हनुमान जी महाराज ने जामन जी महाराज कहे कहे रीछ पति सुनो अनुमान। जामन जी महाराज रीछोरा राजा है, कहे रीछ पति सुनो हनुमाना और के का चुप साधी रहू बलवान। क्यों आप चुपचाप क्यों बैठा हो महाराज? हनुमान जी हल्किया ही कोल मारे। जन जामन जी फेर के पवन तने बल पवन समाना, आप पवन रा पुत्र हो क्यों तने के पुत्र ने, आप पवन रा पुत्र हो और थारो बल है जो पवन रे समान है। बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, बुद्धि मा आप सबसे आगे हो, बुद्धि मता मृष्ट में हनुमान जी महाराज और ज्ञानी नाम अग्रगण्य में। संसार में जिता भी ज्ञानी है जिता में हनुमान जी अग्रणी है, यानी कि आगे है सबसे। तो ही हनुमान जी रूपल जागियो कौन? जन जामन जी फेर के कवन सो काज कठिन जग माही और जो नहीं हो ही तात तुम पाई। इसो संसार में किसो काम है जो को महाराज आप नहीं कर सको? तो ही हनुमान जी रूपल जागियो कौन? जामन जी विचार करियो आप पासो फेंका जगो ही खा लो जावे। हाँ हनुमान जी ने तो बिरदावने रो श्राप हो बल भूलियो हनुमान जी। जन बड़ा जामन जी महाराज एक बात कही बड़ी सुंदर। जामन जी महाराज कहे के राम काज लगी तब अवतारा, अरे सुनत ही भय हो बट प्रवत आकारा। हे महाराज थारो अवतार ही भगवान राम जी रे काज रे वास्ते हुई है। आप शंकर रा 11वां रुद्र हो और भगवान राम जी रे काज रे वास्ते थारो अवतार हुई है। अरे आज ओ भगवान राम जी रो काज है माता जानकी सुगी ले रानी है। इतनी बात हनुमान जी सुनी और सुनता ही हनुमान जी महाराज रो शरीर एकदम यूं पाड़ रे समान है जगो गयो है। और बट गोस्वामी जी हनुमान जी महाराज रे शरीर रो अठ वर्णन करियो भी पी टेबर मा हनुमान जी महाराज रो शरीर की डाल रो। गोस्वामी जी लिखे काई के अरे कनकी वरण तन तेज बिरा I'm not afraid of the dark.
प्रजापति रामचंद्र भगवान की। बोले बालाजी महाराज की। कनक वर्ण तन तेज विराजा। हनुमान जी रो शरीर रो जो को रंग है जो को महाराज कनक के सोने ने सोने रे देसो हनुमान जी रो शरीर है जो को चमकन लागियो है। कनक वर्ण तन तेज विराजा और के मानहु अपर गिरी है कर राजा। क्योंकि पर्वता रो राजा कौन है? सुमेरु पर्वत। हनुमान जी रो शरीर बट है सुमेरु पर्वत रे समान हुयो। और बाबू हनुमान जी महाराज जो सिंह गर्जे जो बड़ सेना रमा गर्दन लागे अरे वारे वावा। सिंह नाद करी बार ही बारा और के लील ही नाग हो जल निधि खारा। हनुमान जी के सही तसाय रावण ही वारी और आनहु इया त्रिकूट उपारी। हनुमान जी के रावण सही सब जीता भी राक्षस है जका ने मार करके लंका है जो की त्रिकुट पर्वत रे ऊपर है जो को विद्यमान है। तीनों पर्वता रे ऊपर वसूली है तो इरे वास्ते महाराज त्रिकुट पर्वत सही लंका ने तोड़ मरोड़ सागर में फेंक और मैं पाछो आ जाओ। सीता जी ने जन बड़ जामन की देख रही के बोले महाराज डबो इयो कोई उतावल करो। और हनुमान जी जामन जी ने कहे कि जामवंत में पूछूं तो ही हे जामवंत उचित सीखा वन दीजे हो मोई। मन कोई उचित सीख है जगी आप दो मन करनो काई है मारो बल आप क्यों जगायो है। जन बड़ जामन जी कहे इतना करो ही तात तुम पाई और सीता ही देखी कहूं शुभ आई। थाने खाली सीता जी रो पतो ही लगा रहा जनके तब निज भुज बल रजीव नेना और कोतुक लागी संग कपी सेना। सेना रमा बड़ो बारी है जगो महाराज खुशी रो माहौल हुयो है। और बांद्रा हनुमान जी महाराज री जय जयकार करण लाग्या है। बोले वाला जी महाराज की। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की। तो अब हनुमान जी महाराज लंका जावने वास्ते तैयार हुआ है तो कवि काई कहे लाल लंगोटो हद बनियो और मुख में नागर पान हरी लंका में वानर चले तो कपि अंजनी सुती हनुमान। लाल लंगोटो हद बनो रे के मुख में नागर पान अरे कहे लंका में वानर चले वो अंजनी सुत हनुमान। तो अब हनुमान जी मरा लंका जाने वास्ते तैयार है और कवि कहीं कहे अरे जी बली अनुरे मान बलवान काज सिया करता का
पति रामचंद्र भगवान की। बोले बालाजी महाराज की। अरे बलि हनुमान बलवान के काज सियावर का सारा बड़े राम के दूत के अग्नि पूत मुंदरी का लीनी। अरे लंकापुर जाऊंगा मैं चाल सुरत धर ली। हनुमान जी महाराज कहे है कि मारे मंदिर में बड़ो भारी कोड है उमंग है कि आज भगवान राम जी रे काज यीशु है जो को लंका जा रही हो। मन में है हरस। अरे जबरे लाऊंगा खबर आ लंका रंग है भीनी और जहां रहती है सीता मात भी दुष्ट हर लीनी। अरे माता की खबर लगाऊंगा और कह नहीं जावता शरमाऊंगा अरे गुण रघुवर का गाऊंगा तो बल अपना में अजमाऊंगा। हनुमान जी महाराज के मरमा बल पराक्रम की तो के जगुर भी आज पतो लागी और भगवान राम जी रूपी कार्य है जो सफल हो जी। तो अब हनुमान जी महाराज जीता भी बैठे रीच बांद्रा बैठा माने सब ने शीश नवायो है और हृदय में भगवान राम जी रो है जो को ध्यान धरियो है। और बाबू करकिल कारी भी समुद्र के किनारे एक बड़ो मोटो पहाड़ है हनुमान जी महाराज भी पहाड़ रे ऊपर चढ़िया है और पहाड़ रे ऊपर चढ़ करके हनुमान जी महाराज देखे भाई काई तरीके वो समुद्र है। अब हनुमान जी महाराज भी पहाड़ रे माथे छलांग लगाई है। इति हनुमान जी महाराज बलू छलांग लगाई जो को हनुमान जी जुई बा छलांग लगाई जय सिया राम रु स्मरण करियो। अरे महाराज छलांग लगाओ ती वो पहाड़ है जो एक ही दम पताल रे मां बिस जावे। हरी वारे बाबा बजरंगी। अब हनुमान जी महाराज आकाश रे महाराज चाले है और हनुमान जी ने जावता देखे है कण समुद्र। तो गोस्वामी जी काई लिखे है अरे जल निधि रघुपति दूत बिचारी ए जल निधि रघुपति दूत बिचारी महाराज बोले वो हनुमान है जो आज भगवान राम जी रो दूत बनकर के लंका जावे है। तू अगर जे कुछ फर्ज उतारे तो आज थारो ओ मौको है। बोले किया महाराज बोले ई हनुमान रे पिता पवन देवता थारमा तकड़ो बारी उपकार करुड़ो है इर वास्ते तू बिरो ऋणी है तो इर वास्ते महाराज ओ मौको है थारो। तो मेना बोले महाराज मन करनो काई है। बोले ई हनुमान रे विश्राम रे वास्ते तू पानी रे ऊपर जा। तो मेनाक मत है जो ऊपर आवे आकर के हनुमान जी महाराज ने कहे के बोले महाराज आप मारे ऊपर विश्राम करो। हनुमान जी महाराज देख करके बोले भाई हूँ भगवान राम जी रे कार्य श्रीलंका जाऊं और मने कोई प्रकार हूं विश्राम करो। हनुमान जी तुरंत विचार करियो के ओ मेनाक बड़े बारी कोडू और खुशी हूं आयो आप इर माथे विश्राम नहीं करा जन इर बड़ो बारी अनादर हो जी।
तो हनुमान जी का ही करे, क्योंकि हनुमान जी तो बड़ा बुद्धि काम लियो, हनुमान जी बुद्धि रा देवता है, बट मेनात्र ऊपर आपरो जीवनो हात रखे है। और गोस्वामी जी अठे सुंदर कांड रे पहले दोए रमा लिखियो है, अरि हनुमान ते ही मरसा कर, हनुमान ते ही परसा करी और पुनी कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु तुमो ही कहा विश्राम। हनुमान ते ही परसा कर, करना में आत्रो, और हनुमान जी भी मेनाक ने प्रणाम करियो है और कह राम काज कीने बिनु और मोहि कहां है विश्राम। भगवान राम जी रो काज करियो उन पे भी मन कोई प्रकार को विश्राम कोनी, और आप महाराज इतने में विश्राम मान लिया। तो मेनाक बड़ो भारी खुशी होकर के और नीचे पानी में जावे है, और इन्हें हनुमान जी महाराज आकाश रे महाराज छलांग लगाई है। तो देवता लोग आकाश मंडल में और हनुमान जी ने जावता देख और आपातकालीन है जगह मीटिंग बैठाई है। देवता विचार करे है कि ओ हनुमान लंका जावे है, और जे लंका जार पाछो नहीं आयो तो इरी तो दुनिया रमा जगह अब कीर्ति हुई जगह हुई, पर की महाराज गोत्री गाड़ कुड़ुंबे नहीं लागे, तो की थोड़ी थोड़ी आपा नहीं पाती आए। बोले तो कहीं करा, बोले ई हनुमान री आपा है जगी परीक्षा ले भाई ओ लंका जावने में सक्षम है या नहीं है। जन बटा देवता लोग भेड़ा हो और बटा माता सुरसा ने तैयार करिए। बोले हे भैया ओ काम थारो है, सुरसा है जगी सरपारी माता है, सुरसा नाम अहियन की माता, और के पटई नी आई कही कही बाता, आज सुरन मोही दीन आहारा। हनुमान जी महाराज ने सुरसा का ही करियो के बड़ी भारी एक है जो आपकी माया विद्याओं में जो राक्षसनी जो रूप धारण करियो। ओ हनुमान जी तुरंत सामने प्रकट हुई और बोले ले भाई ऊतन है जो खाऊं, आज देवता लोग मरमा तक कृपा करिए जो मोही सुरन जे ही लाग, मोही सुरन दीन आहारा। सुनत वचन कहूं पवन कुमारा, हाँ सीता कही सुधी प्रभु सुनाऊं। तो हनुमान जी महाराज ने बा सुरसा कहे के आज मारे वास्ते देवता लोग है जो को आहार भेजो है। हनुमान जी महाराज देख करके बोले भैया मिन खानी कोई खाया करे, आज बहु नहीं बटाई फेल पो थरू यह, अर तू आ बात कहे। बोले हम तुम ज्यादा बात मत कर, अर मारे नजदीक आज वो उतन जीम हो। तो हनुमान जी रे और माता सुरसा ने बीच में संवाद हुए, और इन्हें रूढ़चंद जी महाराज कहीं लिखे है और कहीं बात, अरे छबा मंडल नहीं थोड़ी थोड़ी की चाय दाय पार की गर्म करो भाई, क्यों आ बेड़ा वह जगह थोड़ी और हुए। अरे अरे लंका में जा I
अरे इसी रे काज लंका में जाता, ओ सीता की सारी सुधी गाता, हाँ मोरे बाट की है सीता माता, ¡Gracias!
बोले सियापति रामचंद्र भगवान की, बोले बालाजी महाराज की। अरे हनुमान जी महाराज कह बोले, हे माता, रामचंद्र जी की है सीता नारी, अरे वो हर ले जो रावण बलकारी, और के उसका मुझे फिक्र है भारी, अरे तू मन पतो लगावन दे, अरे मोही काम जरूरी के लंका में जाने दे। तो सुरसा नहीं मानी है तो हनुमान जी महाराज कह बोले, हे मैया, इसी काज लंका में जाता, मारे और दूसरो कोई काम को नहीं, अरे मैं ई काज रे वास्ते ये जगो लंका जा रही हूं, इसी काज लंका में जाता और के सीता की सारी सुधि ले आता, और हनुमान की है सीता माता, और तुम वो हाल सुनावन दे, भगवान राम जी रा हाल है जगह माता, ज्ञान क्यों सुनावन दे, अरे वो ही काम जरूर के लंका में जाने दे। तो सुरसा नहीं मानी तो हनुमान जी महाराज बटके बोले, माता एक काम कर ले। बोले काई, चाहे वचन ले ले मेरे से, मैं तन वचन देऊं के पाछो गिरती टेम पर मैं आऊंगा, अरे तू है जगो खत्म कर दई, गाव गाल दी जो भी करी। हाँ चाहे वचन ले ले मेरे से के उल्टा चाल आऊं तेरे पे, अरे कृपा करो चरणा तेरे पे, ही माता मैं आप चरणा उदास हूं, अरे मन माते कृपा करो, अरे मन भगवान रू हुकम बजाऊ दे। सुरसा देख करिए बोले, रे भाई पाछो गिरती टेम पर मातू मार खा ना, हूं तन कोई पट्टू थोड़ी ओडा, वो तो खाने री बात करूं। तो हनुमान जी महाराज लाख बार समझाई पर सुरसा ऐसी नहीं मानी, हनुमत बोले लाखों वाणी, अरे के सुरसा नार एक नहीं मानी, अरे ओ रूढ़ चंद कही मन है सेलानी, अरे तू मन हरी गुण गावन दे, अरे मोही काम जरूरी के लंका में जाने दे। तो अब सुरसा हनुमान जी सामने आपने माया रो है जगो, फरसा भाई प्रदर्शन करे है आपकी माया भी विद्या, आप शरीर बदाउन लागी है, और अठे गोस्वामी जी का लिखो है, कनगिया रे भाई अरे हनुमत कोरे खाने चली है, चली है बजरंग को खाने चली है, ए भाई एक नारी तन नारा, ए तो यो तन भये पवन कुमारा, जो तन ए नारी तन नारा, अरे तो यो तन भये पवन कुमारा, ए सुरसा क्रोध किया रे अति बारा, बजरंग को
ओ कपि बलवंता ए सुरसा सोड़ा भीरे तुरंता आके ए कपि बलवंता ए सुरसा सोड़ा भी तुरंता ए पति से जो जन्मे कपि हनुमंता ओ पति से जो जन्मे कपि हनुमंता अरे नहीं आया सिंगार ऐसा बदन बदावे नारी अरे गुण से दुगना वे मलकारी बधावे नारी ए गुण से दुगना वे मलिकारी ए सुरसा कोट प्यारे अति भारी ओ सुरसा कोट प्यारे अति भारी ए अब खाऊंगी बारे के कपि के गल बात धबी है कपि के गल बात धबी है अनुमत को आन धबी है अनुमत को आन धबी है लिया छिने में अरे चली अब नारे रोस भर तन में तो दो दन ये कर लिया छिने में अरे चली अब नारी रोस भरी तन में ओ हनुमत ऐसी सोती मन में निकलो कदू पार दी आसी भी पड़ी गली है कभी है आसी भी पड़ी गली है बते को आन गली है करी ए भीतर बने करे आया तुरंत करे सूक्ष्म रूप अरे बनाया तुरंत करी ओ भीतर बने के आया तुरंत करी ओ दूबे चंद कहे अरे तरह तुरंत करी ओ दूबे चंद कहे ए तरह तुरंत करी ए चितला वो कीर्ता
बोले सियापति रामचंद्र भगवान की, बोले बालाजी महाराज की। अरे जय हो हमें चाय लिया उषा। हाँ पूरी परीक्षा करी सरपंच साहब।